अगर कोई अग्निवीर अपनी जान की कुर्बानी देता है, देश के दुश्मनी गोली अपने सीना पे लेता है, तो शहीद शहीद में, बलिदान बलिदान में भेदभाव करने का काम सरकार ने किया है, उसको पूरा शहीद का दर्जा सरकार नहीं दे रही। अगर कोई नियमित, कोई सैनिक, कोई फौजी वो शहादत देता है तो उसको ग्रेचुटी मिलती है, लेकिन अग्निवीर कोई अगर, तो ना तो कोई ग्रेचुटी नील, पारिवारिक पेंशन नील, आर्मी बेनेवोलेंट फंड नील, स्वास्थ्य सेवाएं नील, कैंटीन सुविधाएं नील, ट्यूशन और हॉस्टल नील, शिक्षा में आरक्षण नील, रोजगार में आरक्षण नील। अगर कोई अग्निवीर, आपने पक्की भर्ती बंद कर दी, अग्निवीर आज हमारे गांव के अंदर सुबह जब देखते थे तो रेस लगा रहे होते थे नौजवान स्टेडियमों में, सड़कों पे, आज मैं देखता हूँ खाली हो गए स्टेडियम, खाली होगी सड़कें। उस रूप से बच्चों की जो रुचि होनी चाहिए थी वो रुचि घट गई। और आपने यहाँ तक कि शहीद शहीद में जो ये फर्क किया है, इस बात का भी हमें बहुत अफसोस है कि इतना शहीद शहीद में, बलिदान बलिदान में फर्क नहीं किया जा सकता। सरकार को कहना चाहता हूँ कि इस इलाके की भावना समझने में आप चूक गए। सरकार की तरफ से बयान आए, जब हमने सवाल पूछा कि इनका क्या होगा जब ये घर वापस आ जाएंगे, तो कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया कि इनको भाजपा के कार्यालय में हम चौकीदार की नौकरी देंगे। आप भावना समझने में चूक गए। आप कितनी तनख्वाह देना, ये तनख्वाह के लिए नहीं जाता था यहाँ का नौजवान, यहाँ का नौजवान प्रैक्टिस करता था तो देशभक्ति की, उसकी कण कण में देशभक्ति की भावना है, उसके रोम रोम में भारत माता की जय का नारा। उस हमारे ये वो इलाका, ये हरियाणा प्रदेश वो ये इलाका है। आज हरियाणा, मुझे गर्व है मेरे पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर ये वो इलाका है।